हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। WHO रिलीजेस रिपोर्ट ऑन ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ हाई बीपी ब्लड प्रेशर। तो देखते हैं क्या है। अप्रॉक्सीमेटली 4 of every 5 पीपल विथ हाइपरटेंशन आर नॉट एडिक्वेटली ट्रीटेड। तो 4 of every 5 पीपल वो अच्छे से ट्रीट नहीं हो पा रहे। बट इफ़ कंट्रीज कैन स्केल अप कवरेज, दैट इज 76 मिलियन डेथ कुड बी अवर्टेड बिटवीन 2023 एंड 2050। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेट इन द फर्स्ट एवर रिपोर्ट ऑन द ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर ऑन ट्यूजडे। तो ये पहला रिपोर्ट आया है हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर, जो ग्लोबली इम्पैक्ट कर सकता है लोगों को। WHO का उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है और बोला जा रहा है अगर अच्छे से ट्रीट किया जाए तो 76 मिलियन पीपल जो इस प्रॉब्लम से मरेंगे 2050 तक, उनको रोका जा सकता है। हाइपरटेंशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर डेथ एंड डिसेबिलिटी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द पेपर इन द लेंसेंट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया पब्लिश्ड लास्ट ईयर। इट एड्स दैट लेस देन 1/4 ऑफ हाइपरटेंसिव पेशेंट्स इन इंडिया हैज देयर ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल ड्यूरिंग 2016-2020। Though this rate has improved from the previous year figure, substantially difference exists across the region. The Lancet paper says the 2019-20 National Family Health Survey, ये जो आया था NFHS 5, ये अभी लेटेस्ट आया है, reported a hypertension prevalence of 24% in men and 21% among women. एंड इंक्रीज फ्रॉम 19% एंड 17% रिस्पेक्टिवली। तो जो पहले आदमियों को 19% था वो 24% है, और पहले 17% औरतों का था अब 21% है। पर इनको इक्वालिटी चाहिए, क्या करें। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, इसके ऊपर क्लिप काट लोगे बोलोगे। आई एम ऑलरेडी मतलब मैं ऑलरेडी एक फेमिनिस्ट हूँ, तो प्लीज़ फ्रॉम दी प्रीवियस राउंड ऑफ 2015-2016। तो ये पहले ये था, अब ये है, चीज़ें बढ़ रही हैं, ख़राब हो रही हैं। द इंडियन हाइपर टेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव, अ लार्ज स्केल हाइपर टेंशन इंटरवेंशन अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन, हैज़ बिन रिकोगनाइज फॉर इट्स पॉजिटिव वर्क डन विद द प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम। द WHO रिपोर्ट स्टेट्स दैट हाइपर टेंशन अफेक्ट्स 1 in 3 अडल्ट वर्ल्ड वाइड। तो मतलब 3 में से 1 को तो ये अफेक्ट कर ही रहा है। दिस कॉमन डेडली कंडीशन लीड्स टू स्ट्रोक, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, किडनी डैमेज एंड मैनी अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स। द नंबर ऑफ पीपल लिविंग विथ हाइपर टेंशन, ब्लड प्रेशर ऑफ 140/90 mmHg और हायर एंड और टेकिंग मेडिकेशन फॉर हाइपर टेंशन डबल बिटवीन 1990 एंड 2019, फ्रॉम 650 मिलियन टू 1.3 बिलियन। नियरली हाफ द पीपल विथ हाइपर टेंशन ग्लोबली आर करेंटली अनअवेयर ऑफ देयर कंडीशन। तो सच बात तो ये, आधे लोगों को पता भी नहीं है कि उनका कंडीशन हाइपरटेंशन का है, उनका बीपी बढ़ा हुआ है। आधे लोगों को तो पता भी नहीं है, और इतने लोग सोच रहे हो आप, 1.3 बिलियन का आधा कितनी बड़ी बात है। यूरोप के तो कितने कंट्रीज मिला दो। मोर देन 3/4 ऑफ अडल्ट्स विद हाइपरटेंशन लिव इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। हाँ, क्योंकि यहाँ पे गरीबी है तो टेंशन ज़्यादा है, साफ बात। रिकमेंडिंग वेज टू विन द रेस, द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स दैट lifestyle changes such as eating a healthier diet, quitting tobacco and being more active can help lower blood pressure. Some people may need medicine. आप देखो, इसी को बोला जाता है सिडेंट्री lifestyle, नहीं रखना है हम लोग को, अच्छे से रहना है। तो आप टबेको छोड़ो, ड्रिंकिंग छोड़ो, आप अपना एक्टिव रहो, अच्छा खाना खाओ, बस पिज़्ज़ा बर्गर मत खाओ, तो आपका इससे ब्लड प्रेशर कम रहेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है। और नहीं तो अगर ये नहीं कर रहे हो तब तो दवा खाना पड़ेगा आप लोगों को, कोई बात नहीं। प्रिवेंशन अर्ली डिटेंशन एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन आर अमंग द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव इंटरवेंशन इन हेल्थ केयर एंड शुड बी प्रायोरिटाइज्ड बाय कंट्री एज द पार्ट ऑफ देयर नेशनल हेल्थ बेनिफिट पैकेज ऑफ ऑफर्ड एट अ प्राइमरी केयर। तो मतलब ये कह रहे हैं भाई, पहले पहले उसको देख लो, और वो होने से पहले उसको प्रिवेंट करो, और उसमें खर्चा भी कम लगेगा, और हर कंट्री का जो नेशनल हेल्थ पैकेज होगा उसमें इसको प्राइमरी एक प्राइमरी केयर में ऐड किया जाए, हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर को। तो यही बात यहाँ पर हो रही है। द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ इम्प्रूव्ड हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स आउटवेयर द कॉस्ट ऑफ अबाउट 18 to 1, नोट्स द WHO। तो ये उसका कॉस्ट है।
Hypertension can be controlled effectively with simple, low-cost medicine regime, and yet only about 1 in 5 people have controlled it. तो 5 लोगों को है, तो उसमें से बस 1 लोग तो उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो देख लो भाई कैसे रहना है आप लोगों को, और पॉइंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले ये WHO का, ये पहली बार WHO ये रिपोर्ट लाया है, फर्स्ट एवर रिपोर्ट ऑन ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। तो ये फर्स्ट टाइम आया है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। सेकेंड आप देखिए, इसमें जो है एक लाइफस्टाइल आपको ठीक करना है, तो लाइफस्टाइल पता होना चाहिए कैसा रखना है, लेजी नहीं होना है, एक्टिव रहिए। थर्ड एक छोटा सा फिगर है, आप देखिए 2015 और 16 में जो फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था उस समय, आप देखिए ये दिया है 19% मेन को हाइपरटेंशन था और 17% वुमेन को हाइपरटेंशन था। अब जो लेटेस्ट हुआ है 2019-2020 का हेल्थ सर्वे, उसमें ये फिगर बढ़ के हो गया है आपका 24% इन मेन एंड 21% इन वुमेन। तो ये चीज़ें आप देख रहे हैं ख़राब हो रही हैं, अब रोकने का टाइम आ गया है हमें। नहीं तो आप देखिए 1/4 ऑफ द मेन आर फेसिंग हाइपरटेंशन एंड ब्लड प्रेशर, तो भाई वर्क एफिशिएंसी कहाँ से आएगी। 1/4, 100 लोग अगर देश में काम कर रहे हैं तो उसमें से 24 लोग तो भाई परेशान है इस कंडीशन की वजह से, इसलिए ये हमें ठीक करना चाहिए। और इस आर्टिकल में हमारे लिए आप देखिए 1990 से 2019 तक आप देखिए डबल हो गया है रेट इसका, आपके ब्लड प्रेशर पेशेंट्स का 650 मिलियन से 1.3 बिलियन। और उसमें भी सबसे बड़ी बात, आधे लोगों को पता ही नहीं है कि उनको है भी ये प्रॉब्लम। तो ठीक है, यहाँ पे प्रिवेंशन की बात हो रही है, पहले प्रिवेंट करिए, अर्ली डिटेक्ट करिए, प्रिवेंट करिए। नेशनल हेल्थ बेनिफिट के पैकेज में उसको प्राइमरी केयर के तौर पे ऐड करिए, तो ये उनका हो रहा है, प्रिवेंशन कैसे करना है। अपना लाइफस्टाइल ठीक रखिए, इस आर्टिकल में हमारे लिए बस इतना इम्पोर्टेंट रहता है। और लाइफस्टाइल ठीक करने के लिए प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स। थैंक यू।